अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? देखो, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट्स जिसके विच कंटेन ऑल द सेट, जो जितने भी बाकी सेट्स आपको दिए गए हैं उसके तमाम एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। मिसाल के तौर पर देखो, आपको एक सेट दिया हुआ है जे, ठीक है, जे सेट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। जे सेट के एलिमेंट क्या है? जनवरी, जुलाई और जून, ठीक है। और आपको ये सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट क्या है? अप्रैल और अगस्त, अप्रैल और अगस्त। आपको दो सेट दिए गए, जे और ए, जे और ए, ठीक है। ये बोल रहा है जे और ए आर द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ये दो सेट्स अंडर कंसिडरेशन हमारे पास हैं, ठीक है। हमें दो सेट्स दिए गए, ये हमारे दिए गए, तो ये हमारे अंडर कंसिडरेशन ये हैं, हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोला अब उस इनका यूनिवर्सल सेट अगर निकालना होगा, इनका यूनिवर्सल सेट निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? इनका यूनिवर्सल सेट होगा मंथ्स ऑफ द ईयर। ये क्या दिया हुआ? अप्रैल अगस्त मंथ्स ऑफ द ईयर है। ये क्या दिया हुआ? जनवरी जुलाई जून मंथ्स ऑफ द ईयर है। और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा वो जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट, जे के भी सारे एलिमेंट, ये दोनों सेट्स हमारे अंडर कंसिडरेशन थे, दोनों के सारे एलिमेंट इस जून के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो हमने लिख लिया मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी ए सेट में भी मंथ्स की बात हो रही है, जे सेट्स में भी मंथ्स की बात हो रही है। ए सेट और जे सेट जो दोनों अंडर कंसिडरेशन है, इन दोनों के सारे एलिमेंट जिस सेट्स में मौजूद होंगे वो कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। हमने लिख दिया मंथ्स ऑफ द ईयर इन द यूनिवर्सल सेट। अब मंथ्स ऑफ द ईयर में ए सेट में सारे मंथ्स ऑफ द ईयर आपको दो मंथ्स दिए गए, जे में भी तीन मंथ्स दिए गए। अभी भी जितने भी मंथ्स डाल दो ए सेट, जे सेट्स में जितने भी मंथ्स डाल दो, ए सेट में जितने भी मंथ्स डाल दो, यूनिवर्सल सेट से बाहर तो नहीं जाएगा ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा ए सेट के अंदर कोई ऐसा मंथ डाल दो जो यूनिवर्सल सेट से बाहर चले जाए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर मंथ्स ऑफ द ईयर पूरे साल के मंथ आ गए इसके अंदर। यू कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। समझ आया यूनिवर्सल सेट?